आदि पर शिवाज तो आपको ज्योमेट्रिकल शेप का तोरण दिखा जा रहे हैं। ये बच्चों का प्रोजेक्ट है मैथ का, जिसमें आपको ज्योमेट्रिकल शेप लेने हैं। तो हमने देखिए हर टाइप के शेप की पुट्ठे में कट कर लिए हैं। इस टाइप का सर्कल कट कर लिया हमने, और हाफ सर्कल, रेक्टेंगल, सर्कल, तो इस टाइप से हमने। और ये देखिए ये छोटा वाला जो शेप दिख रहा है, ये बर्फी टाइप का। तो इस टाइप हमने काफ़ी सारे शेप कट कर लिए हैं। मुझे इसको आधे मीटर की ड्राॅइंग पर बनाना है। तो हमने कुछ स्टोन्स लिए हैं सर डेकोरेशन के लिए, और ये कतरन लाए हैं, इस टाइप के रंग बिरंगे कपड़े लाए हैं, और इस सजावट के लिए मोती, जैसे ये मोतियाँ ले लिया हमने, और ये पंपन बैंक आते हैं इसको ले लिया है सजाने के लिए, स्टोन लगा लिया है। तो अब इसको शुरू करने आ रहे हैं हम। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जिससे इसका आपको तोरण बनाना है, क्योंकि स्कूल में बनाना है, तो इस टाइप हमने ये बॉक्स वुड ले लिया, ले सकते हैं आप। ये हमने मोटा टिंटेड पेपर लिया, काफ़ी मोटा टिंटेड पेपर है। जिस साइज़ का लेना है उस साइज़ का हम इसको कट कर लेंगे, और कट करने के बाद हम इसके ऊपर कपड़ा, हमें ग्रीन रंग का कपड़ा मिल गया है, ग्रीन रंग का काफ़ी लंबा कपड़ा मिला है, उसको हम इस पर लगाएंगे। तो ये देखिए मुझे ये ग्रीन कपड़ा मिला है काफ़ी बड़ा, आपके पास किसी रंग का भी कपड़ा हो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये ग्रीन कपड़े को इसके ऊपर हम फेविकोल से लगा देंगे। तो हम इसको शुरू करने आ रहे हैं। अब ये पेपर ले रहा है, इसको हमें कई साइड में फोल्ड कर देंगे सर। इसको मैं फोल्ड करते आ रहे हैं, ये हमने फोल्ड कर लिया। इसको फोल्ड करने के बाद इसको हम दिए शेप बना देंगे, जो भी शेप आपको लेना है उस टाइप का आप इस पर डिज़ाइन बना देंगे। हमने यहाँ से ये दिया, ये इतना साइज मेरा रहेगा, नीचे इतना रहेगा। इसमें हमें इसे ये देखिए इसको आपको जस्ट नाप लेना है, जिस टाइप का आपको लेना है, ताकि इसी से जुड़ा हुआ रहे। और यहाँ पे ये शेप, यहाँ पे सर्कल, इस टाइप का वो डिज़ाइन इसमें बना लेना है। यहाँ पे हम कुछ हाफ उल्टा हाफ सर्कल लेंगे इस टाइप से, या फिर स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर इस टाइप का। ये देखिए इस टाइप से इसको मैं आप ऐसे कट कर लेंगे, ताकि इससे जुड़ा रहे। अब इसको हम कैंची से कट कर लेते हैं। ये देखिए इसको हम पकड़ के, एक साथ पकड़ के आपको कट कर लेना, ताकि सबके शेप एक बराबर बने। तो तोरण आप दीपावली में लगा सकते हैं, मैथ ज्योमेट्रिकल शेप के तोरण है ये। इसमें सारे जो पैटर्न रहेंगे वो ज्योमेट्रिकल शेप के रहेंगे। एक ये देखिए स्टेप से पूरा इसको कट करके मुझे निकाल लेना है। ये यहाँ पे ऐसा लेना है, काफ़ी सारे पेपर एक साथ है तो काटने में बहुत दिक्कत हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा, पर अच्छे से आप इसको कट करके निकालेंगे। इसमें जुड़ा हुआ रहेगा, और इसको पर हम फिर चिपकाएंगे तो थ्री डी शेप आएगा। और इसके साथ जुड़ा रहेगा तो लगाने में दिक्कत भी नहीं आएगी आपको। अभी काटने में आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, पर लगाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए यहाँ पे कट गया, यहाँ पे ये आपको लेना है। ये नीचे का बेस है इसलिए इतना परफेक्ट नहीं आया तो भी चलेगा, क्योंकि इसके ऊपर पेपर लगेगा, सब लगेगा इसके ऊपर। अब सिंपल जाएंगे तो इस टाइप को भी बना के दे सकते हैं, और इसको और सुंदर सा कलर प्रिंटेड पेपर, ग्लिटर पेपर ला कर लगा सकते हैं। ये देखिए हमें इसको ओपन करने आ रहा है, ये देखिए शेप, ये देखिए ठीक है। अब इसके ऊपर हम पेपर फेविकोल लगा करके पेपर चिपकाएंगे, ये शेप का हम कट पेपर कपड़ा कट करेंगे। ये जो मेरे पास कपड़ा है इसके ऊपर हम इसको चिपका देंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको चिपका दिया, और इस टाइप से जो सेमी सर्कल है उसको हम चार इस रंग का है, पिंक रंग का बनाएंगे, और चार
हम येलो कलर का बनाएंगे, तो हम इसको इस पर रख के चिपका के छोड़ देंगे, फिर बाद में इसको कटिंग करेंगे। ये देखिए स्टेप से इसको इस पर रख दे रहे हैं सूखने के लिए। फिर जो मेरे पास येलो ये ऑरेंज कलर रेड कलर ये दिख रहा है, इससे हम ट्रायंगल शेप जो बनाया है छोटा, ये जो बर्फी शेप है ये इसके ऊपर चिपका देंगे। ये हम चिपकाने जा रहे हैं फेविकोल से लेकर, फिर इसके ऊपर हम कटिंग करेंगे। ऐसे आपको सब कुछ सब चीज़ को चिपका लेना है। ये देखिए स्टेप से हम चिपकाते जाएंगे, तो इधर मुझे इस स्टेप पर ये चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम पूरा करने जा रहे हैं। ये देखिए सब हमने पेपर लग कपड़े लगा के इसको कट कर लिया हमने। अब हम फेविकोल लेंगे, फेविकोल लेकर ये देखिए हमने ये जो ये शेप बनाया था हाफ सर्कल का, उसको फेविकोल लगा करके यहाँ पे इस जगह पे फिट करेंगे इस टाइप से। देखिए ठीक है, एक येलो और एक पिंक, ऐसे हम पूरा लगाते जाएंगे। इस टाइप आपको पूरा इसको लगा लेना है। अभी देखिए पूरा इसको हमने तोरण को ऐसा लगा दिया है, अभी सूख जाएगा, इसके ऊपर हम स्टोन और ये सब मिरर्स लगाएंगे। काफ़ी सुंदर आपका ज्योमेट्रिकल शेप का तोरण बन जाएगा। इसमें चाहिए तो आप एक और ऐसा लगा सकते हैं, और हम इसमें स्टोन लगाएंगे। मिरर्स लगाने जा रहे हैं, मिरर भी आपको सर्कल ट्रायंगल स्टेप शेप का लेना है, ताकि ज्योमेट्रिकल शेप ही हो जाए। वो भी इस टाइप से हम लगाएंगे, इसको पूरा चमकता हुआ सजा देंगे। पूरा नीचे का बेस रेडी हो गया है, इसको आपको डेकोरेशन कर देना है सर्कल वाले मिरर से स्टोन से। ठीक है, तो इसको हम पूरा डेकोरेट करने आ रहे हैं। हो गया है, हमने कुछ और भी स्टोन्स इसमें लगा दिए हैं। देखिए तो ये काफ़ी खूबसूरत सा आपका तोरण रेडी हो गया है। अभी देखिए तोरण पूरा बन गया है, ये काफ़ी खूबसूरत तोरण आपका रेडी हो गया। अब इसके दोनों तरफ हम सूखने पर थ्रेड लगा देंगे, इधर थ्रेड लगा देंगे। आपको और भी खूबसूरत करना है तो यहाँ पे लटकाने के लिए कुछ आइटम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल शेप है इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं कुछ इसमें डाल रहे, नहीं तो मोती और काफ़ी चीज़ें यूज़ कर सकते थे। कौड़ी लगा सकते हैं आप, कौड़ी है इस टाइप काफ़ी आइटम आ रहे, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये मेन डोर पर लगाने के लिए काफ़ी सुंदर आपका ये रेडी हो गया है। ठीक है, थैंक यू इस वीडियो के लिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को। दीपावली में शीशे का बहुत मिरर का यूज़ करते हैं, ताकि काफ़ी सुंदर लगे। आपको अगर और भी अच्छा करना है तो यहाँ पे कौड़ी डाल सकते हैं, कौड़ी लगा सकते हैं, या फिर बड़े होंगे तो मोती का टाक सकते हैं, मोती भी लगा सकते हैं, दो मोती की लड़ियों को लगा सकते हैं सिल करके। कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है, ये देखिए यहाँ पे छूट गया है। ज़्यादा नहीं भर रहे, आप और भी बनाने के लिए चाहो तो भर सकते हैं, पर हमको ये शेप दिखाना है इसलिए उसको ज़्यादा नहीं भर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू इस वीडियो के लिए।